दिस न्यूज इज पावर्ड बाय भानु हॉस्पिटल्स कुल्लू कलेहली एंड सुंदरनगर। कुल्लू जिला के राफ्टिंग प्रशिक्षण संस्थान पिरडी कुल्लू में 8वीं ऑल इंडिया राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों में होगी। चैंपियनशिप का शुभारंभ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया। उन्होंने बकायदा हरी झंडी दिखाकर ब्यास की लहरों में राफ्ट लेकर चैंपियनशिप के लिए उतरे प्रतिभागियों को रवाना किया। इससे पहले उन्होंने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए आयोजकों और प्रतिभागियों को बधाई दी। प्रतियोगिता में करीब 200 के आसपास प्रतिभागी हिमाचल, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से आए हैं। इंडियन काइकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन नई दिल्ली राफ्टिंग प्रशिक्षण संस्थान पिरडी में यह चैंपियनशिप करवा रही है। 3 दिन तक चलने वाली चैंपियनशिप में स्प्रिंट, स्लालम, आर्क्स और मैराथन का आयोजन किया जाएगा। काइकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के द्वारा कुल्लू जिला के पिरडी में 8वीं जो राफ्टिंग प्रतियोगिता है आयोजित की जा रही है और अभी हमने उसका शुभारंभ किया है और इसमें देश के 11 राज्यों की टीमें यहां पर पहुंची हैं और जो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई है उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का। उन्होंने इस चैंपियनशिप को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है और ये 3 दिनों तक यहाँ पर चलेगी और इसके समापन पर युवा खेल सेवाएं मंत्री श्री राकेश पठानिया जी आने वाले हैं और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो खेल है हमारे क्षेत्र के लिए यानी साहसिक जो पर्यटन है और साहसिक खेलों के द्वारा लोगों को बहुत अधिक रोजगार भी प्राप्त होता है और जिसके कारण से हमारे बच्चे बहुत अच्छा रोजगार अपने घर पर रह कर के प्राप्त कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये कि सरकारी खेलों में भी जयराम ठाकुर जी की सरकार ने राफ्टिंग को 3% स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत लिया गया, उस दिशा में भी बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं और मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी की रिपोर्ट। कुल्लू जिले का सबसे भरोसेमंद अस्पताल अब धनोटू सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। भानु अस्पताल में हिम केयर तथा आयुष्मान कार्ड के तहत ऑपरेशन फ्री किए जाते हैं। भानु अस्पताल में आंखों के सफेद मोतिये का ऑपरेशन लेजर विधि द्वारा तथा अन्य ऑपरेशन जैसे कि बच्चेदानी, अंडकोश, बच्चेदानी के रसौले का ऑपरेशन लेजर विधि द्वारा किए जाते हैं। पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी, हर्निया और अपेंडिक्स आदि के ऑपरेशन भी दूरबीन से किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचें और दूरबीन तथा लेजर से ही ऑपरेशन करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6230409071।